गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, यह आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। अभी जैसे गोपाल भाई ने बताया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह जगह हमले कर रहे हैं गुजरात की जनता के ऊपर, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका झगड़ा हमसे है, आपकी समस्या हमसे है, हमारा को जो मर्जी कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, गुजरात की जनता के ऊपर हमले करने बंद कीजिए। उनकी ये बौखलाहट क्यों है? भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई क्यों है? पहली बार 27 साल के अंदर वो इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। मैं उसका जवाब देता हूँ। आप सड़क पे निकल जाइए, सड़क पे निकल के किसी से भी पूछिए आप किसको वोट देंगे, वो या तो कहेगा आम आदमी पार्टी और या कहेगा भारतीय जनता पार्टी। जो जो लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ 5 मिनट बात करो, वैसे ही जनरल बातचीत शुरू करो। 5 मिनट की बातचीत के बाद वो कहता है कि जी मेरा पूरा मोहल्ला झाड़ू को वोट दे रहा है, मैं भी झाड़ू को वोट दे रहा हूँ, लेकिन डर लगता है आम आदमी पार्टी कहने से। जितने लोग आपको बीजेपी को वोट देने वाले मिले सड़क के ऊपर, सबसे 5 मिनट बात करके देखो, ऐसे लगता है कि हर आदमी बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है। ये कारण है कि बीजेपी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। तो 3 चीज़ें साफ साफ नहीं निकल के आ रही है। एक कि लोग डरे हुए हैं। हमने इतने राज्यों में चुनाव लड़े, पहली बार एक ऐसा राज्य है, हमने पंजाब में भी चुनाव लड़ते हैं, हम दिल्ली में भी चुनाव लड़ते हैं, पहली बार एक ऐसा स्टेट देखने को मिल रहा है जिसमें एक आम आदमी ये बताते हुए डरता है कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ। उन्हें डर लगता है कि अगर मैंने भाजपा नहीं बोला तो मुझे ये मारेंगे, कहीं भाजपा वाले तो नहीं है जो पूछ रहे हैं। तो आम आदमी डरा हुआ है। दूसरा, कांग्रेस का वोटर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, जैसे एक ऐड आता है ना, ढूंढते रह जाओगे, वैसे ढूंढने से भी कांग्रेस का वोटर कहीं नहीं मिल रहा। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी का वोटर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहा है। पूरा गुजरात इस टाइम बदलाव मांग रहा है। कई लोग कहते हैं कि राजनीति के अंदर मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। 2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो मैंने एक पत्रकार को लिख के दिया था कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएंगी। किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी। पंजाब के चुनाव में मैंने कई सारी भविष्यवाणियां की थी। मैंने कहा था नवजोत सिंह सिद्धू हारेंगे, चन्नी साहब दोनों सीटों से हारेंगे, बादल साहब का पूरा परिवार हारेगा। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी ज़रूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद, अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। गुजरात के जितने सरकारी कर्मचारी हैं, उन सब लोगों को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ। उनके अभी महीने दो महीने पहले गांधीनगर के अंदर एक गजब का नज़ारा देखा गया, जब हजारों हजारों गुजरात सरकार के कर्मचारी सड़कों के ऊपर उतर आए और उन्होंने पूरा सचिवालय घेर लिया। ऐसा नज़ारा गुजरात के अंदर कभी नहीं देखा गया था। और उनकी एक ही डिमांड थी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं आज गुजरात के सारे कर्मचारियों को बोल कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी, 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू कर दी गई है पंजाब के अंदर, हमारी सरकार बनती और ये नोटिफिकेशन जारी हो गया पंजाब के अंदर। गुजरात के अंदर सरकार बनने के बाद 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का गुजरात के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
इसके अलावा बहुत सारे दूसरे कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी हैं, पुलिस के बहुत सारे साथी हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट के बड़े कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, वीसी हैं बहुत सारे, ग्राम रक्षक हैं, होमगार्ड हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, टीचर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, तलाटी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इनके कई सारे मुद्दे हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ग्रेड पे की डिमांड है, इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कच्चा कर्मचारी हैं, उनको पक्का करने की ज़रूरत है, वो कह रहे हैं कि हमें पक्का किया जाए। इनमें से बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह बहुत कम है, तनख्वाह बढ़ाने की ज़रूरत है। इनमें बहुत सारे कर्मचारी हैं जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की वजह से अपने घर के पास, इन सबको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम तो लागू करेंगे, आपके हर एक तबके के जो जो मुद्दे हैं हम आपके सारे मुद्दे समाधान करेंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम अपनी कोई गारंटी पूरी नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे कर्मचारी दुखी रहेंगे। सारे कर्मचारियों की सारी समस्याएं ठीक करेंगे। मेरे सारे कर्मचारियों से हाथ जोड़ के विनती है। कहा जाता है कि जिस राज्य में सरकारी कर्मचारी जिस तरफ हों, चुनाव वही पार्टी जीतती है। सरकारी कर्मचारी 10 तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, 10 लोगों को बताते हैं, उनकी बात सुनता है समाज। तो मैं सारे सरकारी कर्मचारियों को, गुजरात सरकार के कच्चे पक्के ये वो सभी से अपील करना चाहता हूँ। एक तो अभी पोस्टल बैलेट चल रहा है, पोस्टल बैलेट में एक एक वोट आम आदमी पार्टी को पड़ना चाहिए। आप सबसे अपील है पोस्टल बैलेट के अंदर एक एक वोट आम आदमी पार्टी को पड़ना चाहिए। और दूसरा, आप लोग अपने अपने तरीके से जिस तरह से भी प्रचार कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप लोगों को वो कर सकते हैं, आप खूब जम के अगले 3-4 दिन प्रचार कीजिए, लोगों को कहिए आम आदमी पार्टी को वोट दें, आप हमारी सरकार बनवाइए, हम आपको एश्योर करते हैं कि आपके सारे मुद्दों का समाधान हम करेंगे। अगर कोई प्रश्न है तो आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक गारंटी दी है कि हर वार्ड में एक वीडियो की दुकान खोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी अब वीडियो बनाने की कंपनी बन गई है। तो जनता, दिल्ली की जनता इस बार ये तय करेगी कि उनको वीडियो बनाने की कंपनी चाहिए कि सरकार अच्छी चलाने के लिए और उनके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए एक पार्टी चाहिए। मैंने बता दिया हमारी सरकार बन रही है तो हमारी 92 के ऊपर आएगी, उनकी 92 के नीचे आएगी।